राम राम कोडर्स, आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे एंड हमारी प्लेसमेंट सीरीज के साथ ग्रो कर रहे होंगे। काफी पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं प्लेलिस्ट के, देख के अच्छा लगता है। दिस कीप्स अस मोटिवेटेड टू मेक मोर। तो आज का वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, डिबगिंग द सीक्रेट्स ऑफ डीपी। ठीक है, देखो क्या होता है ना, बच्चे डीपी में एक बार कूद जाते हैं, फिर होता नहीं होता, रन कर देते हैं, बस इंटरव्यू निकालने के लिए पढ़ देते हैं। बहुत तकलीफें आती है डीपी को लेकर एंड ऑल द मिथ सीक्रेट्स वॉट एवर आई नो विच आई फील इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। चलिए आपको थोड़े से फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। थोड़े दिन पहले ही आप सबने अपनी 11th 12th की जर्नी शुरू की थी साइंस स्ट्रीम में। वहां पर सबसे पहले आपको फिजिक्स में इंट्रो मिला मोशन का, मतलब सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर और कैलकुलस बेसिक सीखते हैं, पर जो फिजिक्स जहाँ से चालू होता है वो होता है मोशन। क्यों करें? हाँ और सही है, मोशन तो के मेजर बाद चैप्टर में मोशन ही है। हम आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के बाद हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक आते हैं जो है रोटेशनल डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन। और मुझे उम्मीद है आप सबको रोटेशन की यादें ताजा हो, एटलीस्ट रोटेशन तो नहीं पर उससे जो रिलेटेड जो डर था वो आपको याद होगा। तो इमेजिन कीजिए, अगर हम आपको जो टीचर्स थे वो आपको सीधा सीधा रोटेशन पे ही चालू कराते क्लास, और ये भी पॉसिबल था कि रोटेशन से चालू करते हो आपको पूरा मोशन समझाया जाए, फिर आपको उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझाया जाए, फिर सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट लाया जाए। पर इमेजिन कीजिए अगर सिस्टम कुछ इस तरीके से चला होता तो बहुत लोग आई कैन फर्मली से कि फिजिक्स ही छोड़ दिए होते। फिजिक्स तो दूर, बहुत लोग साइंस ही छोड़ दिए होते, राइट करें? सही बात है। रोटेशन कहाँ से होगा? बेसिकली द पॉइंट इज शिव ये बोल रहा है कि अगर आपको पहले रोटेशन कोई बता दिया होता कि रोटेशन भाई करो, तो कहाँ से समझ में आता है? बिना मोशन के, बिना एनर्जी के, बिना स्विंग के, चलो कुछ कुछ पार्ट समझ भी जाते, कैसे न कैसे दिमाग में बैठा के आई वाई ओमेगा तो कुछ समझ भी गए रहते, बट जितना क्लैरिटी इधर करने के बाद आता उतना क्लैरिटी तो कभी नहीं आता। कुछ क्वेश्चन रट भी ही होते, फेमस क्वेश्चन है भाई तो आएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो पक्का ये क्वेश्चन आता है, रट रहते। तब खुद से तो कोई क्वेश्चन नया आंसर कर नहीं पाते। इवन सीक्वेंस पढ़ाने से भी रोटेशन हार्ड लगता है बहुत ज्यादा। कोई बता सीक्वेंस पढ़ता है मोशन एनर्जी सीएम, तब भी रोटेशन बहुत हार्ड लगता है, तो सिर्फ रोटेशन तो बिल्कुल ऐसा ही कहानी होता है हमारे साथ जब हम डीएसए में एंटर करते हैं। सबसे फेमस एल्गोरिदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, किसी से भी आप पूछो डीपी किया क्या, डीपी किया क्या, अरे यार डीपी के मैंने 100 क्वेश्चंस कर लिए, अरे डीपी यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी हो जाए डीपी इज द हॉट टॉपिक। और लोग मतलब सबसे ज्यादा जिसको करते हैं, जिसको करने के बारे में सोचते हैं वो होता है डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। पर इज इट द राइट वे? एब्सोल्युटली नो, क्योंकि डीपी में अगर हम देखें तो मोस्टली हम चीजों को ऑप्टिमाइज ही करते हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम कुछ इस टाइप से मैक्सिमाइज करते हैं। ग्रीडी में भी तो हम बेसिकली वही सारा चीज करते हैं, जैसे हम मोशन में उधर वन डायमेंशनल मोशन होता था, फिर रोटेशनल में रोटेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, अलग अलग चीज हो रहा होता था। बिल्कुल ये यहाँ पर भी ग्रीडी का तो वही कहानी है ना, ग्रीडी में हम लोग एक सिंपल डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशन में देखते हैं, सॉर्ट करते हैं चीजों को, ऑप्टिमाइज करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स एफर्ट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, और डीपी में बिल्कुल वही चीज करते हैं। पर डीपी मल्टी डायमेंशनल जाता है, अलग अलग लेवल पे जाता है, और ग्रीडी एक बेसिक है उसी अप्रोच का, राइट करें? सही बात है। इवन लाइक सेम कहानी को आप रिलेट कर सकते हो, इधर आप बोले भैया तो पहले फिजिक्स में मोशन की, एनएलएम की, सीओएम की, फिर रोटेशन की, इधर क्या करें ग्रीडी कीजिए। ग्रीडी जहाँ रुक गया, ग्रीडी सब क्वेश्चन नहीं बन सकता, ग्रीडी पूरा खत्म, तो रिकर्शन आता है हेल्प करने। रिकर्शन अगर आप सोच पा रहे हो देन उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके डीपी बन जाता है, एंड डीपी में अगर आप थोड़ा महारत हासिल कर देते हो रिकर्शन करने के बाद, देन यू कैन आर लाइक केपेबल टू राइट द टेबल। तो एक प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं बोलूँ आपको पहले ही डीपी में चले जाओ टेबल बना लो, तो यही कहानी है। आप रोटेशन में पहले चले जाओ, करो ये तीनों बिना के दे, तो क्या हालत होगा? आप ये तो रिलेट कर पा रहे हो, जैसे आप ये सोच सकते हो यही हालत आपका सेम टू सेम होने वाला है अगर आप गो टू डीपी स्टेट। अभी पहली गलती ये नहीं करनी। तो भैया तो आप बोल रहे हो कि सिक्वेंस ही जाएंगे तो डीपी ईजी हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं बोल रहा ईजी हो जाएगा। अगर आप आपसे मैं पूछा कि अगर आप सिक्वेंस ही जाओगे मोशन एनएलएम सीएम तो रोटेशन ईजी हो जाएगा, उसका कंपेरिजन में बहुत ईजी हो जाएगा। रोटेशन तो फिर भी हार्ड ही है, रोटेशन तो फिर भी हार्ड है, बट हाँ उससे कंपैरिजन में जिससे पहले लगता उतना हार्ड अब नहीं लगेगा। अब थोड़ा समझ में चीजें आएंगी, खुद से करने लायक रहेंगी, बट हाँ फिर कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन तो आएगा जो नहीं बनेगा मुझसे, बट स्टिल रोटेशन होगा। बस वही कहानी है, अगर आप रेडी करोगे अच्छे से
समझो कि ग्रीडी सब क्यों नहीं कर सकता, इसमें दिक्कत क्या, ग्रीडी क्यों नहीं लग रहा, फिर दिक्कत क्या हो रहा है, तब अच्छा तब रिकर्शन लगा देते हैं। रिकर्शन लगाओगे फिर थोड़ा धीरे धीरे मेमोराइज करना सीखोगे कोड को, डीपी का क्वेश्चन बनाओगे, फिर कुछ समय के बाद डीपी समझ में आने लगेगा। तो अगर आप सीधा सीधा डीपी करोगे तो नहीं बनेगा, एंड देन यू स्टार्ट मेमोराइजिंग द क्वेश्चन। बच्चों इंटरव्यू में ये सब पूछता है पांच, तो ये सब वन कर दिया जाए फटाफट, ये सब खत्म। सो बात हो गया डीपी का, ग्रीडी का, रिकर्शन बैकट्रैकिंग का, अब हम कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं आपकी, राइट करें? देखो तो मेरे को डीपी में महारत तो है, बस थोड़ा बहुत डीपी आता है, बट सीक्वेंशियली किया हूं तो कुछ नॉलेज है और कुछ बताने लायक हूं। तो अभी मैंने ग्रीडी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, राइट, ग्रीडी की प्रैक्टिस आना शुरू हो चुकी है एंड वीडियोस डेली आते जा रहे हैं। एंड अभी जो अब रिसेंटली वीडियोस देखेंगे तो स्टॉक बाय एंड सेल, काउंट नंबर ऑफ जंप्स एंड ये सब डीपी के क्वेश्चंस गिने जाते हैं, राइट शुभ? अभी उनके लॉन्गेस्ट पॉइंटर में सबस्ट्रिंग वीडियो आने वाला है कुछ समय में, तो वो भी डीपी का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बट ये सबको हम लोग अभी ग्रीडी से किए। अब जो डीपी का क्वेश्चन है वो ग्रीडी से हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं, वाइस वर्सा होता है कि डीपी से हो सकता है तो ग्रीडी से भी हो सकता है, ग्रीडी से हो सकता है तो डीपी से भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि जो डीपी से वो ग्रीडी से हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, ठीक है? हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन होता है ना ग्रीडी अपना लिमिट एक्सीड कर देता है, मतलब ग्रीडी बोलेगा मैं नहीं कर सकता तो वहाँ डीपी आएगा ही, बट ऐसा नहीं। तो आप देखिए वैसे वीडियोज, प्लीज थोड़ा जाइए सी दोज वीडियोज। अभी शायद लॉन्गेस्ट जंप था क्वेश्चन, काउंट नंबर ऑफ जंप्स था, पुलिस शोर का क्वेश्चन आया था अभी भी हमने किया था, तो वो सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड डीपी क्वेश्चन है, बट उसको अभी हमने ग्रीडी से सॉल्व किया। तो गिव यू अ फ्लेवर कि ग्रीडी से कैसे सॉल्विंग होता है एंड हाउ टू थिंक ग्रीडी भी क्या क्या सोच सकते हैं। जैसे आप दुकान गए, 10 रुपए चीज में कैसे बार्गेनिंग करोगे, ग्रीडी अप्रोच हो गया, ग्रीडी बन गए उधर, तो वैसे अप्रोच कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं फ्रॉम अवर डेली लाइफ, हाउ कैन वी लर्न एंड अप्लाई दैट टू अदर क्वेश्चन, तो वो सब सीखेंगे प्रॉपरली। तो अब शुभ हम लोग चाहते थे डीपी का प्रवेश शुरू कर सकते थे, राइट? पहले पहले वो हिट होता है डीपी, कभी भी चालू करो वो हिट ही होता है, पर दैट इज नॉट द वे। डेली सिक्वेंशियली चलोगे ना, डेली आप एक दो ग्रीडी के क्वेश्चन बनाते चलो, फिर ग्रीडी खत्म होगा फिर हम बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन लेके आएंगे, फिर डेली डेली उसके एक दो क्वेश्चन करते चलो, फिर हम जब डीपी लेके आएंगे तो डीपी की आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बन चुकी है, राइट? और अब आप जब डीपी को सॉल्व करोगे आपको क्वेश्चन एक समझ में आएगा, जैसे जब आप एरे के क्वेश्चन करते हो आपको समझ में आता है, भले आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ आपको समझ में तो आता है कि क्या करना है कैसे करना है। बस ये समझाने के लिए मैं यहाँ कि ये फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझ सको, क्योंकि आपको डीएसए का नॉलेज नहीं है अभी, इसका तो नॉलेज है ना, और इस पॉइंट से आप सोच सकते हो अच्छा इसमें मुझे ऐसे तकलीफ हुआ था तो फिर इसमें ऐसा तकलीफ हो सकता है, इससे मैं बता दिया आपको पहले से, ठीक है? तो प्लीज आई रिकमेंड यू गो टू अ प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट बहुत शॉर्टेड ऑर्डर में किया हुआ है, ग्रेडी का प्लेलिस्ट पे जाइए एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू डू नॉर्मली, वो तो करते ही वो करो, ग्रेडी का सॉल्विंग करना शुरू कर दो एंड सिक्वेंशियली अगर चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड अगर डाउट्स आते हैं फिर भी तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, यू कैन कमेंट एंड आस्क डाउट। डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, तो सोशल मीडिया हैंडल्स की कमी नहीं है कहीं भी, एंड डर मैंने टीचर, हम लोग क्या टीचर, बहुत टीचर आप इसको जो आपको पसंद है उनका देखिए, बट ऑर्डर में देखिए, बोलने का मतलब ये वीडियो का पर्पस यही है, राइट? सीधा जाके डीपी मत देख लीजिए, ग्रीडी देख के, रिकर्शन देखिए, फिर डीपी पे जाइए, ये सब समझ के जाइए कि हाँ अब डीपी कर सकते हैं, डेट्स द मेन पर्पस, ठीक है ना? थॉट दिस इज इंपॉर्टेंट टू मेक दिस वीडियो, अभी बहुत हाइप चल रहा है मार्केट में डीपी का, या वो हाइप थोड़ा क्लियर हो जाए कंसेप्ट डीपी कैसा क्या है, एंड या जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, जय हिंद।